गहरे ताल्लुक थे और हजरत पर भी हजरत अल्लामा साहब की बहुत शफकत थी और हजरत कारी साहब भी जब भी इंग्लैंड तशरीफ लाते लाजमन तौर पर सबसे पहले हजरत अल्लामा साहब की खिदमत में तशरीफ लाते थे। अल्लाह जल्ला शानहू इनसे भी बहुत बड़ा काम ले रहे हैं। और इसी तरह हजरत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद सदीक साहब रहमतुल्लाह उनकी दुआएं भी हमारे इस काम में शामिल हाल रही हैं। हजरत कारी साहब की सरपरस्ती भी शामिल हाल रही है और बहुत सारे उलमाए किराम हैं जो इस काम में हमारा ताउन फरमा रहे हैं। मैं उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ और उन बच्चों और बच्चियों से और उनके वालिदैन को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने इतने बड़े अजीम स्कॉलर हजरत अल्लामा साहब से ये निस्बत इल्मी निस्बत हासिल की और उनसे असबाक पढ़े। आज वो हम में नहीं हैं लेकिन उनके जारी किए हुए सिलसिले इंशाअल्लाहुल अजीज जब तक हम हैं और हमारे बाद आने वाली नस्लें हैं वो इसको जारी और सारी रखेंगी। और हजरत कारी साहब और दूसरे उलमाए किराम हमारी सरपरस्ती फरमाते रहेंगे। तो मैं अर्ज करता हूँ कि हजरत कारी साहब आप बच्चों और बच्चियों को जो बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ का दर्स शुरू फरमाएं और उनको पहला सबक पढ़ाएं। अल्लाह जल्ला शानहू इसमें बरकत अता फरमाए और इन बच्चों और बच्चियों को इस्तकामत अता फरमाए और दीन में उनको अल्लाह जल्ला शानहू तरक्की अता फरमाए। आमीन। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد काबिल सद एहतराम हजरात उलमाए किराम काबिल सद एहतराम मुअल्लिमात बुजुर्गान मोहतरम बिरादरान इस्लाम अजीज़ तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज बतारीख 23 जुमादिल उखरा सन 1442 हिजरी मुताबिक 6 फरवरी सन 2021 बरोज़ हफ्ता पहली मरतबा सिटी जामे मस्जिद मानचेस्टर बरतानिया में चौथे तालीमी साल के आगाज़ के मुबारक मौके पर सहीहैन बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ के दर्स की सआदत हासिल हो रही है। मैं दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतन वासिया के जानशीन हज़रत मौलाना मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब दामत बरकातुहुम और उनके तमाम रुफका सिटी जामे मस्जिद के मुंतज़िमीन का जिन्होंने इस सआदत में मुझे शरीक किया। जैसा कि हज़रत मुफ्ती साहब ने बताया मुफक्किर इस्लाम हज़रत अल्लामा डॉक्टर खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अली के साथ नियाजमंदी का मोहब्बत का और अकीदत का ताल्लुक हमें वरासत में मिला। हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अली का ताल्लुक हमारे जद्द अमजद उस्तादुल उलमा हज़रत मौलाना खैर मोहम्मद साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह और मेरे वालिद मरहूम हज़रत मौलाना मोहम्मद शरीफ साहब जालंधरी रहमतुल्लाह अलैह
और जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान पाकिस्तान के अकाबिर रे खैर के साथ बहुत करीबी था और बहुत कदीमी था। हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह ने सिटी जामे मस्जिद में ये जो सिलसिला उनकी सरपरस्ती में कायम हुआ ये उनके लिए अदीम सदक़ा जारिया है। हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह तालीमी साल के आगाज़ पर इन अजीम शान कुतुब हदीस का पहला सबक पढ़ाया करते थे और वही इसके हकदार थे और इसके अहल भी थे। मुझे तो इल्म और अमल दोनों एतबार से हज़रत अल्लामा साहब रहमतुल्लाह अलैह से कोई भी निस्बत नहीं है और मैं अमरे वाक़या ये है, कोई कसरे नफसी नहीं है कि अपने आप को इस काबिल नहीं समझता कि इन अजीम शान कुतुब की पहला दर्स मैं दूँ। ये इन हजरात का हुस्न ज़न है और फेसबुक के ज़रिए जहाँ जहाँ भी और नेट के ज़रिए पूरी दुनिया में जहाँ पर भी वो इस दर्स को सुन रहे हैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो दुआ फरमा दें कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे हक बात कहने की और फिर हम सब को सुनने और समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा दें। ये इन हजरात का हुस्न ज़न है कि इन्होंने मुझे इस का हुक्म दिया और मैं इनके हुक्म की तामील में ये जसारत कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सिटी जामे मस्जिद के अंदर जो बनात का ये इदारा कायम है इसमें बहुत ही कामयाब मुअल्लिमा हमारे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस हज़रत मौलाना मोहम्मद सिद्दीक़ साहब रहमतुल्लाह अलैह सदर मुदर्रिस व शेखुल हदीस जामिया खैरुल मदारिस मुल्तान की साहिबजादी हैं, जिन्होंने यहाँ पर पढ़ा और बहुत मेहनत से पढ़ा और बहुत ही माशाल्लाह लायक और काबिल मुअल्लिमा हैं और वो वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे में पढ़ा रही हैं और खिदमात सर अंजाम दे रही हैं। ये इदारा भी और ये हमारी अजीज़ा भी और इसी तरह पर जिन्होंने इनसे पढ़ा जो आइंदा पढ़ेंगी ये हम सब के लिए सदक़ा जारिया है। मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद पेश करता हूँ कि यूरोप में बरतानिया में अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ बनीन के लड़कों के लिए मेल के लिए इस तरह के तालीमी इदारे कायम हैं कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल तालीम दी जा रही है वहाँ अल्हम्दुलिल्लाह बनात के लिए फ़ीमेल के लिए भी ऐसे काबिल एतमाद इदारे मौजूद हैं कि जहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ाने वालियाँ ऐसी हैं कि जिनका इल्म अल्हम्दुलिल्लाह मुस्तनद है और उन्होंने अहम जैद असाज़ा से इल्म दीन हासिल किया है और वतन अज़ीज़ इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के मारूफ व मशहूर मदारिस में उन्होंने तजर्बाकार असाज़ा से इल्म हासिल किया है। मैं उन अज़ीज़ तालिबात को भी मुबारकबाद पेश करता हूँ जिनको अल्लाह ताला ने यह सआदत बख्शी है कि वो वहाँ पर इस अजीम शान इल्म को हासिल कर रही हैं। इस वक्त हमारे पेश नज़र सही बुखारी शरीफ और सही मुस्लिम शरीफ का दर्स है और ये दोनों अजीम शान किताबें जिनको सही हैन कहा जाता है यानी इल्म हदीस की मुस्तनद मोतबर मकबूल मुतदावल मारूफ और मशहूर और सही किताबें ये हैं। इन दोनों किताबों को एक मुमताज़ और मुनफरद मकाम हासिल है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह और इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह एक काबिल एतमाद हवाला हैं। चुनांचे जब ये कह दिया जाए कि यह हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में है या यह हदीस मुबारक मुस्लिम शरीफ में है तो उस पर सुनने वालों को पढ़ने वालों को अहले इल्म को एतमाद हासिल हो जाता है। यानी इल्मी हलकों में इल्म हदीस की इन दोनों किताबों ने इतना मुमताज़ और काबिल एतमाद मकाम हासिल किया है कि अगर किसी हदीस की सनद पूरी ना भी बयान की जाए सिर्फ इतना हवाला दे दिया जाए कि ये जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुखारी शरीफ में है या मुस्लिम शरीफ में है तो वो हवाला ही काफ़ी है। अब मैं ये बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि हदीस किसको कहते हैं। याद रखिए हदीस शरीयत के इस्तेलाह में मुहद्दिसीन के इस्तेलाह में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल को आपके अफ़ाल को
और आपके अहवाल को और आपकी तकरीर को कहा जाता है। यानी हदीस मुबारका चार चीज़ों का नाम है। नंबर एक, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल मुबारका के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बात भी अपनी ज़बान मुबारक से इरशाद फरमाई वो हदीस कहलाती है। दूसरा, जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो काम किया कि आपने मसलन नमाज कैसे पढ़ी, आपने हज कैसे किया, तवाफ़ कैसे आपने किया, रोज़ा कैसे रखा, तो जिस रिवायत में सहाबी ये बयान करें रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये काम इस तरह किया है, वो भी हदीस कहलाती है। और जिनमें हुजूर का फरमान बयान हो वो कौली हदीस कहलाती है, और जिनमें हुजूर अलैहिस्सलाम का फेल बयान हो वो फेली हदीस कहलाती है। तीसरा, वो भी हदीस है जिसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहवाल और सिफात बयान हो कि हुजूर अलैहिस्सलाम के सर मुबारक के बाल ऐसे थे, आपका चेहरा अनवर ऐसा था, आपकी आंखें ऐसी थीं, आपका रंग मुबारक ऐसा था, आपका सर से पांव तक का वजूद ऐसा था, जो जिसमें आपके अहवाल और सिफात का जिक्र हो वो भी हदीस कहलाती हैं। नंबर चार, हदीस हुजूर अलैहिस्सलाम की तकरीर को कहते हैं। हमारे यहाँ तो आम तौर पर तकरीर का माना बोलना होता है, बयान करना होता है। जैसे मेरे बारे में कहा गया कि मैं तकरीर करूँगा या मैं तकरीर कर रहा हूँ, यानी हमारे यहाँ बात करने को तकरीर कहते हैं। मगर मुहद्दिसीन की इस्तेलाह में और हदीस की तारीख में जो लफ्ज़ तकरीर आता है उसका वो माना नहीं है जो हमारी उर्दू या पंजाबी जबान वगैरह में है कि बोलना, बात करना, बयान करना, बल्कि उसका माना यह है कि रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम के सामने अगर किसी ने कोई बात कही या कोई काम किया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर खामोश रहे, आपने रोका नहीं, आपने टोका नहीं, तो गोया आपने उसको दुरुस्त करार दे दिया। तकरीर का माना यह है कि आपने उसको दुरुस्त करार दे दिया। आपकी खामोशी भी हदीस है। किसी की खामोशी हदीस नहीं कहलाती, किसी की खामोशी हुज्जत शरईया नहीं है, मगर रहमत आलम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और नबी का ये मनसब और मकाम होता है कि अगर उसके सामने कोई बात कही जाए या कोई काम किया जाए और वो उस पर सुकूत इख्तियार फरमाए, खामोशी इख्तियार फरमाए, तो वो हदीस बन जाती है। इसलिए कि कोई और खामोश रहे तो उसमें ये माना भी हो सकता है, उसका ये मतलब भी हो सकता है कि शायद ये किसी डर की वजह से, लालच की वजह से, या किसी भी मफाद की वजह से, या किसी भी हिकमत की वजह से चुप रहे हैं। लेकिन अल्लाह के पैगंबर से ये तवक्कु नहीं की जा सकती कि वो किसी के दबाव में आकर चुप रहे, वो खुदा न खास्ता किसी मफाद की वजह से या किसी गर्ज की वजह से खामोश रहे। अगर वो चीज़ कोई खिलाफ शरीयत, खिलाफ दीन देखेंगे, कोई गलत बात देखेंगे, तो उस पर रोकेंगे और टोकेंगे, और अगर वो खामोशी इख्तियार करते हैं तो इसका माना यह है कि वो भी अल्लाह की तरफ से है, वो भी दीन है, वो भी शरीयत है और वो भी हदीस है। इसलिए जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक चार चीज़ों का नाम है। हुजूर अलैहिस्सलाम के फरमान जो ज़बान मुबारक से इरशाद हों, आपके इनको अकवाल कहते हैं, अफाल जो हुजूर के जिस्म मुबारक से, वजूद मुबारक से कोई काम हो, और तीसरा हुजूर अकरम सल्लम के अहवाल और सिफात, और चौथा हुजूर अलैहिस्सलाम की खामोशी, यानी किसी काम पर आपका या किसी बात पर चुप रहना और गोया आपने उसको दुरुस्त करार दे दिया, इसको हदीस कहते हैं। यह हदीस जिस इल्म में पढ़ाई जाए उसको इल्म हदीस कहते हैं, और इल्म हदीस ये तमाम उलूम से अफजल, आला और अशरफ है। यह हदीस मुबारक को पढ़ना कितनी बड़ी सआदत है। जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वाली वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नज़र अल्लाह इमरान समिया मकालती फवआदा सुम्मा अद्दाहा कमा समिया। अल्लाह ताला उसके चेहरे को बारौनक करे, उसको खूबसूरत करे, बाइज्जत करे, जिसने मेरी हदीस को सुना, याद किया और फिर जैसे उसने सुना था उसी तरह उसने उसको आगे पहुँचाया। यकीनन जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक को पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले, सुनने वाले, सुनाने वाले, याद करने वाले और जिस तरह पर सुना उसको आगे पहुंचाने वाले, इन तमाम के चेहरे अल्लाह के पैगंबर की दुआ की कबूलियत की वजह से दुनिया में भी चमकेंगे, कब्र में भी चमकेंगे और आखिरत में भी चमकेंगे। एक हदीस मुबारक है जिसको अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला नुमा नकल करते हैं
کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ میرے جانشینوں پر رحم فرمائے، دعا کی اللہم ارحم خلفائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خلفاء کون ہے؟ فرمایا وہ لوگ جو میرے حدیثوں کو نقل کرتے ہیں اور میری احادیث مبارکہ کو بیان کرتے ہیں، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا جانشین فرمایا اور اپنا خلیفہ فرمایا۔ کتنا بڑا اعزاز ہے۔ تو اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، وہ طالبات، وہ معلمات، وہ طلباء اور اساتذہ جن کا مشغلہ علم حدیث ہو، حضور علیہ السلام کی احادیث کو پڑھنا ہو۔ اور پھر یہ جو آخری سال ہمارے مدارس میں ہوتا ہے جس کو دورہ حدیث کہتے ہیں، اس کے اندر تو اٹھتے بیٹھتے صبح و شام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی آتا ہے، اور کتنی مرتبہ درود شریف پڑھا جاتا ہے، یہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی درود ہے۔ تو جب بھی آپ حدیث پڑھیں تو اس ادب کا خیال رکھیں کہ فوراً کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پڑھنے والا بھی اور سننے والا بھی۔ جب ایک مرتبہ آپ یہ پڑھیں گے تو 10 رحمتیں نازل ہوں گی، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 درجات بلند ہوں گے۔ یہ اس لحاظ سے بڑی سعادت ہے کہ جب تک آپ یہ کتابیں پڑھ رہی ہیں تو گویا آپ کی زبان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے معطر رہے گی۔ اور کہنے والے نے کیا خوب کہا، یہ خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمت اللہ علیہ کا شعر ہے جو حکیم الامت مجدد الملت و الدین حضرت مولانا محمد اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ اجل ہیں۔ فرماتے ہیں ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد، وقت کتنا قیمتی ہے آج کل، یہ کتنا قیمتی وقت ہے کہ ہر وقت آپ کے زبانوں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے۔ اور ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 10 درجات بلند ہو جاتے ہیں اور 10 نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں نازل ہوں گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر مبارک پر۔ بعض اہل علم فرماتے ہیں کہ کوئی بھی عبادت ہو اس کے بارے میں یہ گارنٹی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ دعا تو یہی کرنی چاہیے، اور ہم کرتے بھی ہیں کہ اللہ میری تمام آپ دعائیں بھی قبول کر لیں، میری عبادتیں بھی قبول کر لیں، نیکیاں قبول کر لیں۔ لیکن نیکی اور عبادت قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی اس کے بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن درود شریف ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کا قبول ہونا یقینی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے نبی پر آپ صلاۃ و سلام بھیج رہے ہیں اور ہر وقت حضور علیہ السلام پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور پھر یہ صلاۃ و سلام وہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا گیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تو درود شریف وہ عبادت ہے جس کے قبول ہی قبول ہے، جس میں ذرہ برابر یہ امکان نہیں ہے کہ وہ شاید قبول نہ ہو۔ اس لیے یہ جب بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، اور ظاہر ہے کہ جب آپ یہ احادیث کی کتابیں پڑھیں گی تو بار بار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا، تو اس پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کہا جائے۔ اب اس پر دو کتابیں آپ کے سامنے ہیں، ایک مسلم شریف ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع جس میں احادیث جمع فرمائی ہیں، اور عظیم محدث ہے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، میرے جد امجد استاد العلماء حضرت مولانا خیر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلم شریف حدیث کی خالص کتاب ہے، اور کوئی کتاب بھی ایسی نہیں جو حدیث کی خالص کتاب ہو۔ اس لیے کہ جتنی بھی باقی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی، ان میں صاحب کتاب نے، مصنف نے اپنی بھی کئی ساری باتیں اپنی طرف سے اپنی رائے بھی دی ہیں، اپنے عنوانات بھی قائم کیے ہیں، مگر مسلم شریف ایک ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عنوانات بھی نہیں لگائے، اور احادیث تو جمع کی ہیں، اور وہ تو انہوں نے جو کی ہیں وہ عنوانات اور موضوعات کے اعتبار سے کی ہیں۔ مثلا نماز کی حدیثیں ایک جگہ ہوں گی، وضو کی حدیثیں ایک جگہ ہوں گی، پھر نماز کے اندر کئی سارے ابواب ہیں، کئی سارے تفصیلات جزئیات ہیں، اس طرح وضو میں اور باقی پر بھی اعلیٰ حاضر قیاس، مگر انہوں نے عنوان بھی اپنی طرف سے نہیں لگائے۔ یہ عنوان بھی شاگردوں نے لگائی، بعد کے حضرات نے لگائے۔ امام مسلم نے صرف اپنی کتاب میں حضور علیہ السلام کی احادیث کو جمع کیا۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب، ہمارے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حدیث کی خالص کتاب ہے، اور اس میں سوائے حدیث کے اور کچھ نہیں ہے۔ اب بخاری شریف آپ پڑھیں گی، بخاری شریف میں حدیثیں بھی ہیں، فقہ بھی ہے۔ امام بخاری نے جتنے عنوانات قائم کیے ہیں وہ دراصل ان کے اجتہادات بھی ہیں، انہوں نے احادیث سے جو باب میں آئی ان سے مسائل بھی نکالے ہیں۔ تو اس میں گویا حدیث بھی آ گئی، فقہ بھی آ گئی، تفسیر بھی آ گئی،
और कई जगह इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तर्जुमतुल बाब में ही उनवान के अंदर ही कुरान करीम की आयतों की तफसीर करते हैं। तो गोया बुखारी शरीफ में हदीस भी है, फिका भी है, तफसीर भी है, बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन मुस्लिम शरीफ में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने सिर्फ़ और सिर्फ जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को जमा किया और अपनी तरफ से उनवानात भी नहीं लगाए, इसलिए फरमाते थे ये हदीस की खालिस किताब है। फिर दूसरा इम्तियाज मुस्लिम शरीफ का ये है कि ये जमे रिवायात और अहादीस इसमें बहुत शानदार है। आप एक टॉपिक, एक मौजू की अहादीस अगर चाहें कि मुझे तमाम इस मौजू और टॉपिक से मुतालिक सही अहादीस एक जगह मिल जाए तो वो आपको मुस्लिम शरीफ में मिल जाएंगे। मसलन आप चाहें कि निकाह के हवाले से, निकाह के मौजू पर तमाम सही अहादीस मुझे एक जगह मिल जाए तो वह आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुस्लिम शरीफ में मिल जाएगी। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, अला हादल क़ियास, जिस भी मौजू पर उनवान और मसले पर आप चाहें तो उस सिलसिले में आपको तमाम अहादीस रिवायात और वो भी सही यकजा मुस्लिम शरीफ में मिल जाएगी। तो जमे रिवायात और जमे अहादीस के हवाले से मुस्लिम शरीफ का बहुत बड़ा मकाम है। दूसरी किताब जो हमारे सामने है वो बुखारी शरीफ है। बुखारी शरीफ में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको किस अंदाज से लिखा है, हर हदीस से पहले इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने वजू किया है, गुसल किया है, दो रकात नफल पढ़े हैं, फिर इस्तिखारा किया है, क्या अल्लाह मेरी तहकीक में तो ये हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप मेरे दिल में डाल दीजिए कि मेरी तहकीक दुरुस्त है, यानी मैं इसको लिखूँ या ना लिखूँ। और कहाँ लिखा है, मक्कतुल मुकर्रमा में, बैतुल्ला में, हतीम के अंदर बैठ कर वहाँ पर उन्होंने इस किताब को लिखा है। तो जब इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इस एहतमाम के साथ लिखा तो फिर कबूलियत कैसे अल्लाह ताला फरमाते, पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है, जबकि इमाम बुखारी अरबी नहीं आजमी है, ये मक्का मुकर्रमा मदीना तय्यबा में पैदा नहीं हुए, अरब में भी पैदा नहीं हुए, ये वस्ते एशिया की रियासतों में, ये ताशकंद, बुखारा, समरकंद ये इलाके हैं, बुखारा में पैदा हुए जो आज उज़्बेकिस्तान का एक शहर है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आजमी होने के बावजूद, अरबी ना होने के बावजूद ऐसी अजीम उशान किताब उन्होंने लिखी है और हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस को मेहनत से सही जमा की है कि पूरी दुनिया के अरब अजम के उलमा ने कहा कि कुरान करीम के बाद सबसे ज़्यादा सही और मोतबर और मकबूल और मुस्तनद किताब वो सही बुखारी शरीफ है, जामे बुखारी शरीफ है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुखारी शरीफ ऐसी किताब है कि ये जिस घर में हो गोया यूँ समझो का अन्नहु नबीयुन यतकल्लमु, गोया वहाँ नबी मौजूद है और बातें कर रहा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको बड़ी मेहनत के साथ और बहुत ही एहतमाम के साथ और पूरी तरह इस पर रिसर्च करने के बाद हुजूर अलैहिस्सलाम की सही हदीस को जमा किया। और जो बात मैंने अर्ज की कि हर रकात, हर हदीस पर दो रकात नफल पड़े हैं, तो मुकर्ररात को डबल हदीसों को अगर शुमार न किया जाए और सिर्फ मुकर्ररात को निकाल दिया जाए तो तकरीबन 4000 अहादीस है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह गोया 8000 रकातें पढ़ी हैं इस किताब को लिखने पर, और फिर अल्लाह की तरफ से इशारा हुआ तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह लिखा है। तो ये अजीम उशान किताबें पढ़ने की आपको सआदत। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह एक हदीस को कई जगह लाएंगे, बार बार लाएंगे, और उससे मकसद इमाम बुखारी का मसाइल का इस्तेमाल है कि इस हदीस से ये मसला भी निकलता है, इस हदीस से ये मसला भी निकलता है, ये मसला भी निकलता है। जो लोग कहते हैं कि हम हदीस को मानते हैं, फिका को नहीं मानते, हम कुरान और हदीस की बात करेंगे फिका की नहीं, तो उनको समझना चाहिए कि वो अक्सर बुखारी शरीफ का हवाला देते हैं कि बुखारी में ये हदीस है, तो बुखारी के अंदर तो फिका भी है। बल्कि अल्लामा खालिद महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि बुखारी शरीफ में हदीस बाद में है, फिका पहले है, क्योंकि ये जितने टाइटल और उनवान हैं जिनको तर्जुमतुल बाब कहते हैं और हदीस बाद में आती है, तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह आने वाले हदीस से जो फिकी मसला निकलता है, शरीयत का और दीन का मसला निकलता है, वो पहले बयान करते हैं, हदीस बाद में लाते हैं बतौर दलील के। तो गोया बुखारी शरीफ में फिका भी है, हदीस भी है, और इमाम बुखारी ने फिका पहले जिक्र किया है, हदीस बाद में। तो बुखारी को मानने वाला वो फिका को इनका इनकार करे तो ये बायसे ताज्जुब है, ये काबिले ताज्जुब बात है, गोया उसने बुखारी को भी नहीं माना, इसलिए कि बुखारी के अंदर तो जगह जगह फिका मौजूद है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की तो फकाहत के बारे में कहा जाता है, फिकुल बुखारी फी तराजमी ही, कि उनके तर्जुमतुल बाब जो होता है वो उनका मसला होता है जो उन्होंने हदीस से निकाला होता है।
और वो अपनी या तो राय उसमें बयान कर रहे हैं या इमाम बुखारी की दिक्कतें नजर उससे मालूम होती है। तो मेरी अजीज तालिबात, बुखारी शरीफ को पढ़ने में तीन बातों का खास ख्याल रखें। ये आ जाए तो गोया बुखारी आ गई। एक तो तर्जुमतुल बाब, ये टाइटल होता है, इससे इमाम बुखारी का मकसद क्या है बस इतना समझ लें। दूसरा, जो आगे हदीस होती है वो तर्जुमतुल बाब की चूंकि दलील होती है, टाइटल ये दावा होता है और आगे हदीस उसकी दलील होती है, तो पता करना चाहिए कि इस ये दलील कैसे बनी, इस हदीस की क्या मुनासबत और मुताबकत है उस उनवान और टाइटल के साथ। और तीसरा ये कि हदीस में वो कौन सा लफ्ज है जिससे इमाम बुखारी ने जो दावा किया था वो साबित हो रहा हो, उसको मौज़ा तर्जुमा कहते हैं। अल्लाह ताला आपको इसकी तौफीक अता फरमाए। अब बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ, इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी इस किताब के शुरू में मुकदमा लिखा है जो बड़ा अजीम शान है, बड़ा अहम है, और उसके अंदर बड़ी अहम बातें उसूली तौर पर बयान फरमाई हैं। और उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज किताबुल ईमान से किया, उसमें तकदीर का तज़किरा किया, फिर हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम जो आपने मिश्कातुल मसाबी में भी पढ़ी होगी उसका तज़किरा किया। हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये खुलासा है हुजूर की तमाम अहादीस का, जैसे सूरह फातिहा कुरान का खुलासा है, हदीस जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये तमाम हुजूर अलैहिस्सलाम की सुन्नत और अहादीस मुबारका का खुलासा और निचोड़ है, जिसमें जिब्राईल अलैहिस्सलाम के इंसानी शक्ल में आकर जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवालात और हुजूर अलैहिस्सलाम के जवाबात का तज़किरा है। पूछा कि ईमान क्या है, इस्लाम क्या है, एहसान क्या है, क़यामत कब आएगी, उसकी निशानियाँ क्या हैं। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह किताबुल ईमान सबसे पहले लाए, और उसके बाद इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने तकदीर का तज़किरा किया, और फिर हदीस जिब्राईल लाए, हदीस जिब्राईल में भी तकदीर का जिक्र है, उस पर ईमान का। तो इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ किताबुल ईमान से करके ईमान की अहमियत और अकीदे की अहमियत बता दी, क्योंकि सबसे पहली चीज़ जो है वो ईमान है, बाकी तमाम चीज़ें बाद में हैं। और ईमान भी उनवान है, मुराद तमाम अकायद हैं कि अकीदा और नज़रिया सही होना चाहिए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब का आगाज़ वही से किया, बाबुन कैफ फकान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इमाम बुखारी ने वही से शुरू किया। इमाम बुखारी का अंदाज निराला है, हर एक का अपना अपना अंदाज होता है, तो इमाम बुखारी का ये अंदाज बाकी तमाम मुहद्दिसीन से बिल्कुल मुनफरद है और बिल्कुल निराला है। और किसी ने इस अंदाज से अपनी किताब का आगाज़ में किताबुल ईमान से, तो बहुत सी किताबें शुरू हो रही हैं, जितनी भी जवामे हैं वो तमाम की तमाम किताबुल ईमान से हैं, जो फिकी मसाइल और अहकाम के तरीके पर लिखी गई हैं वो उनको सुनन कहते हैं, वो किताबुल तहारत से शुरू होती हैं। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताबुल ईमान का जिक्र बाद में किया, पहले वही का, क्योंकि अल्लाह और बंदे का जो सबसे पहला ताल्लुक कायम हुआ वो वही से कायम हुआ, वो वही से होता है। इस बिना पर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने भी अपनी किताब का आगाज़ वही से किया। और मेरी अजीज तालिबात, इमाम बुखारी ने वही इलाही की बहस सबसे पहले लाकर इस बात की तरफ भी हमें और आपको मुतवज्जे किया कि हमारे दीन की बुनियाद इंसानी अकल नहीं है बल्कि अल्लाह ताला की वही है। इसके बाद ईमान अकीदे का जिक्र, फिर किताबुल इल्म, इल्म का जिक्र, फिर किताबुल वुदू से आमाल का जिक्र। तो बता दिया कि अकीदे, इल्म और अमल की बुनियाद अल्लाह की वही है। जो अकीदा अल्लाह की वही से साबित होगा वही सही है, और वो इल्म सही है जो अल्लाह की वही से आए, और वही अमल मोतबर है जो अल्लाह ताला की वही और अहकाम की रोशनी में हो। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने सबसे पहले वही लाकर ये बता दिया कि हम अल्लाह के हुक्म के और वही के पाबंद हैं, अपनी अकल के नहीं है। अकल तो वही के ताबे और नीचे है, अकल वही से ऊपर नहीं है। आप जहां रहती हैं उन मुल्कों में, यूरोप में, इन जगहों पर यही उनका एक फिक्र और तर्ज उनका यह है कि इंसानी अकल ऊपर है और अल्लाह का हुक्म बाद में है, आसमानी हिदायत बाद में है। तो आपको जहन में रखना चाहिए कि हमारे यहाँ शरीयत में अल्लाह का दीन पहले है, वही पहले है और अकल बाद में। इससे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बाब उनके फकान अब्दुल बाह से इशारा कर दिया कि आगे मैं जो कुछ बयान करूँगा वो हमारे किसी की अकल से नहीं निकला हुआ, वो अल्लाह की तरफ से आया हुआ है। मैं आसान लफ्जों में यूँ कहा करता हूँ कि हमारा दीन ये ज़मीनी नहीं बल्कि आसमानी है, ये फर्श पर तैयार नहीं हुआ, ये अर्श से अल्लाह ने भेजा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने यह बता दिया है
क्या हमारा दीन ऊपर से आया है, ये नीचे किसी इंसान ने नहीं बनाया। इसलिए अगर कोई हमसे ये कहे कि तुम कुरान में ये तब्दीली कर दो, हदीस में ये तब्दीली कर दो, फुला आयत को निकाल दो, शरीयत से फुला हुक्म निकाल दो, तो हम जवाब में कहेंगे ये हमें इख्तियार नहीं है, क्योंकि हमारा दीन जो है वो ज़मीन पर नहीं बना, वो आसमान से अल्लाह ताला ने उतारा और अल्लाह ने भेजा है। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने बड़ी अहम बुनियादी बात बता दी सबसे शुरू में वही लाकर, और उसके बाद इमाम बुखारी जो सबसे पहली हदीस लाए हैं वो इन्नमल आमालु बिन्नियात की है। वो बता दिया कि अगर तुम्हारी नीयत में इखलास होगा, अल्लाह की रजा के लिए होगा, तो तब तुम्हारा ये पढ़ना तुम्हारे काम आएगा। तो सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी लाकर इखलास की और हुस्न नीयत की तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। इखलास नीयत ये है कि जो काम भी करो अल्लाह की रजा के लिए करो, और हुस्न नीयत क्या है कि अपना जाविया निगाह बदल दो। मसलन हम खाना तो खाते ही हैं, अब एक सूरत यह है कि हम खाना खाएं इस इरादे और नीयत के साथ कि मेरे जिस्म में ताकत आएगी, जीने के लिए ज़रूरी है, लेकिन अगर हम ये नीयत कर लें कि मेरे खाना खाने से जो मुझे ताकत आएगी मैं इससे नमाज पढ़ूंगी, मैं इससे अल्लाह की इबादत करूंगी, ये अगर नीयत कर ली जाए कि हम इससे अल्लाह की इबादत करेंगे, नमाज पढ़ेंगे, तो ये है हुस्न नीयत। तो वही हमारा खाना जो आदत था वो इबादत बन जाएगा, जो तबीयत का तकाजा था वो शरीयत बन जाएगा, जो दुनिया का काम था वो दीन बन जाएगा। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने अजीम शान हदीस शुरू में लाए, एक तो ये कि जो काम करो अल्लाह की रजा के लिए करो, और नंबर ये कि अपनी नीयत को अच्छा भी कर लो। एक है नीयत को खालिस करना, एक है नीयत को अच्छा करना। खालिस करना तो यह कि अल्लाह की रजा के लिए हो, कि ये काम मैं अल्लाह की रजा के लिए कर रहा हूं, और अच्छा करना ये होगा कि उसके अंदर ये इरादा कर लो कि मैं इससे फलां काम करूंगा, कोई शरीयत का दीन का। मिसाल एक ये भी कि हमारे घरों में विंडो होती है, किस लिए? ताकि बाहर की ताज़ा हवा आए, अंदर की गर्म हवा बहक जाए। अगर ये नीयत हो जाए कि मस्जिद से अजान की आवाज़ आए ताकि मैं नमाज पढ़कर मस्जिद में जाऊं, मैं नमाज पढ़कर घर में नमाज पढ़ लूं, तो इसमें ये विंडो भी इबादत बन जाएगी, ये भी शरीयत समझी जाएगी, ये भी दीन का काम समझा जाएगा। तो इसलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने हमें और आपको ये सबक दिया है कि अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए काम करो और अच्छी नीयत के साथ करो, तो तुम्हारी आदत इबादत बन जाएगी, तुम्हारे दुनिया के काम दीन बन जाएंगे, तुम्हारे तबीयत के तकादे शरीयत बन जाएंगे। ये पढ़ना पढ़ाना भी अल्लाह की रजा के लिए हो, इसलिए ना हो कि मैं आलिमा बन जाऊं, मैं आलिम बन जाऊं, इसलिए ना हो कि मेरी लोग तारीफ करें, नहीं बल्कि इसलिए हो कि मुझे पता चल जाए कि अल्लाह किन कामों से राजी होते हैं, किन से नाराज होते हैं, ताकि अल्लाह की रजा वाले काम मैं कर लूँ, नाराजगी वाले कामों से मैं बच जाऊँ। ये चंद बातें मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की हैं। अब मैं आपको बुखारी शरीफ का पहला बाब और हदीस पढ़ा रहा हूँ, मुस्लिम शरीफ की हदीस इंशाल्लाह आपको आपकी मुअल्लिमा पढ़ा देंगी, वो ज़रा तवील और लंबी हदीस है, मैंने उसका खुलासा आपके सामने बयान कर दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इस इफ्तिताह को मुबारक फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप भी मेरे साथ पढ़ लीजिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिलखैर वबिका नस्तईन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिलखैर वबिका नस्तईन, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिमहु बिलखैर वबिका नस्तईन। बाबुन कैफ कान बदुल वही इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वकौलुल्लाह अज़्ज़ वजल, दोनों तरह पढ़ा जा सकता है, इन्ना औहैना इलैका कमा औहैना इला नूहिन वन्नबियीन मिन बादी वबिस्सनद मुत्तसिल मिन्ना إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى قال حدثنا الحمادي قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع ألقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه। ये बुखारी शरीफ की पहली हदीस है जिसको उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह तआला ने नकल किया है।
ये हदीस हज़रत उमर बिन खत्ताब की हवाले से ही आई है, जहाँ भी आई है वो फरमाते हैं कि मैंने जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिंबर पर ये इरशाद फरमाते सुना, और हज़रत उमर बिन खत्ताब को भी अलकमा बिन वक्कास अल्लैसी ने मिंबर पर ये बयान करते हुए फरमा सुना कि हुजूर ने इरशाद फरमाया इन्नमल आमालु बिन्नियात, तमाम आमाल का मदार नीयतों पर है, यानी आमाल का सवाब नीयतों पर है, और आदमी के लिए वही है जो उसने नीयत की, जिसकी हिजरत दुनिया की तरफ होगी ताकि उसको पाले, या औरत की तरफ कि उससे निकाह कर ले, पर उसकी हिजरत उसकी तरफ होगी जिसकी तरफ हिजरत की। पहले दौर में मदीना मुनव्वरा की तरफ मक्का से हिजरत करना फर्ज था, तो जो हिजरत अल्लाह की रजा के लिए करेगा उस पर अजर व सवाब मिलेगा, जो दुनिया वगैरह के लिए करेगा उसका सवाब नहीं मिलेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस हदीस मुबारक का जो पैगाम है इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। शुरू में इमाम बुखारी ने बता दिया कि अपनी नीयत खालिस कर लो, अपनी नीयत अच्छी कर लो, ताकि तुम्हारा पढ़ना इबादत बने, तुम्हारा पढ़ाना इबादत बने, अजर व सवाब का बाइस हो, अल्लाह ताला की रजा के लिए हो, अल्लाह ताला इसको कबूल फरमाए। और एक दफ़ा फिर आपको मुबारक, हज़रत मुफ्ती साहब को मुबारक, और हमारी अजीज़ा मुअल्लिमा को मुबारक, और आप तमाम मुअल्लिमात को, रुफका, मुंतज़िमीन को मुबारक। अल्लाह ताला इस आगाज़ को मुबारक फरमाए, और अल्लाह ताला इसे बखैर व खूबी पाया तकमील को भी पहुँचाए। अब सब दुआ कर लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजुस सलाम, تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام، ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء، اللهم احينا كما احييت الصحابه والتابعين، اللهم زدنا علما، اللهم نبئ قلوبنا بنور علوم القران والسنه، اللهم نبئ قلوبنا بنور علوم القران والسنه، اے اللہ ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو، لفظشوں کو معاف فرما دیجئے، چھوٹے بڑے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، خفیہ علانیہ گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ اپنی رضا کاملہ نصیب فرما دیجئے، اے اللہ ہماری قدم قدم پر حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے، اے الہ العالمین ہم بہت گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اے اللہ سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے معاف فرما دیجئے، اے اللہ ہم سچے دل سے توبہ کرتے ہماری توبہ قبول فرما دیجئے، ہماری توبہ کو توبۃ النصوحہ بنا دیجئے، توبہ پر استقامت نصیب فرما دیجئے، آئندہ زندگی میں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ علم نافع اور عمل صالح عطا فرما دیجئے، رزق حلال واسع بے حساب عنایت فرما کر اپنے نام پہ قربان کرنے والا بنا دیجئے، اے اللہ، اے اللہ آج اس افتتاح کو مبارک فرما دیجئے، اے اللہ سٹی جامع مسجد مانچسٹر برطانیہ میں بخاری شریف اور مسلم شریف کے جو درس کا آغاز ہو رہا ہے اور جو نئے تعلیمی سال کا آغاز ہو رہا ہے، اے اللہ اس کو مبارک فرما دیجئے، اے اللہ عزیز طالبات کو، معلمات کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ مفتی فیض الرحمان صاحب اور ان کے رفقاء اور سٹی جامع مسجد کی تمام انتظامیہ کو قبول فرما لیجئے، اے اللہ مفکر اسلام حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قائم کردہ اس سلسلے کو ان کے لیے اور ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اے اللہ حضرت علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے درجات آخرت کو بلند سے بلند تر فرما دیجئے، اے اللہ ان کے نقش قدم پر ہمیں چلتے ہوئے ان کے مشن کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے علوم سے اے اللہ مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں ان کے انوار و برکات سے محروم نہ فرمائیے، اے اللہ ہمیں ان کے انوار و برکات سے محروم نہ فرمائیے، ان کے نقش قدم پر چلائیے، اے اللہ، اے اللہ یہ آج جو آغاز ہے اس کو مبارک فرما دیجئے، اے اللہ اس کو مبارک فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، کرونا وائرس کو ختم فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا سے ختم فرما دیجئے، جہاں جہاں بھی کوئی انسان مسلمان یا غیر مسلم اس کا متاثر ہے، بیمار ہے، اس کو صحت عطا فرما دیجئے، اور اے اللہ پوری دنیا کو اے اللہ اس وبا اور بلا سے محفوظ فرما دیجئے، اے اللہ جہاں جہاں مساجد بند ہیں
उन मस्जिदों को खोल दीजिए, हरमैन शरीफैन की रौनकें बहाल फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह उम्रे और हज के सिलसिलों को जारी फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पूरी शान और आबो ताब के साथ जारी फरमा दीजिए, हमें मदीना मुनव्वरा में और मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिरी की तौफीक अता फरमा दीजिए, गुंबद खदरा के नज़ारे और तवाफ़ और उम्रे की सआदतें नसीब फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह आज इस इफ्तिताह को फिर दरख्वास्त करता हूँ, मुबारक फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पढ़ने वालियों को कबूल फरमाइए, पढ़ाने वालियों को कबूल फरमाइए, पढ़ाने वालों को कबूल फरमाइए, और ऐ अल्लाह इनके खानदानों को कबूल फरमाइए, ऐ अल्लाह हमारी इन बेटियों को ऐ अल्लाह इस इल्म हदीस के आदाब और तकाज़े बजा लाने की तौफीक अता फरमाइए, और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस को पढ़ने समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमा दीजिए, और हदीस के पढ़ने को हुज़ूर अलैहिस्सलाम के साथ ताल्लुक और आप अलैहिस्सलाम की सुन्नतों पर अमल कर मजबूती का जरिया बना दीजिए, ऐ अल्लाह हम में से एक एक को हजरत सहाबाए कराम रिज़वानुल्लाह अजमईन और अहले बैत अतहार और सलफ़े सालेहीन की जिंदगियों और उनके आमाल के मुताबिक जिंदगी गुजारने वाला बना दीजिए, ऐ अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाइए, ऐ अल्लाह तमाम बीमारों को सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा नसीब फरमा दीजिए, जिस्मानी रूहानी बीमारियों से शिफाए कामिला नसीब फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पूरी दुनिया के मसाजिद मदारिस मराकज खानकाहें ऐ अल्लाह उनको आबाद रखिए, उनकी हिफाजत फरमाइए, पढ़ने पढ़ाने के सिलसिले दावत और तबलीग के सिलसिले और ऐ अल्लाह तज़किए के तमाम मराकज और इन सिलसिलों को कबूल फरमा लीजिए, ऐ अल्लाह हमने जिनसे ये पढ़ा उन तमाम हज़रात की कब्रों को मुनव्वर फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम रहिमहुमल्लाह को पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह पूरी उम्मत की तरफ से जज़ाए खैर नसीब फरमा दीजिए, ऐ अल्लाह हमें वो काम करने वाला बनाइए जो आपको पसंद हो और उनसे बचाइए जो आपको और आपके नबी को नापसंद हो, ऐ अल्लाह ईमान कामिल नसीब फरमा, अमल साले नसीब फरमा, हया ऐ अल्लाह गैरत दीनी और ईमानी नसीब फरमा, ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा दीजिए, जो मांगना चाहिए नहीं मांग सके आप तो जानते हैं, बिन मांगे इनायत फरमा दीजिए, हम सबको मुस्तजाब दावात बना दीजिए, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, हमारा खात्मा ईमान पर फरमाना, ऐ अल्लाह हमें और हमारी औलादों को नेक बना, ऐ अल्लाह हमारी नस्लों को नेक बना, ऐ अल्लाह जिन जिन की शादियाँ नहीं हुई उनके लिए अच्छे रिश्ते नसीब फरमा, खुशहाल घराने नसीब फरमा, और जिनकी शादियाँ हो गई ऐ अल्लाह उनके मुकद्दर अच्छे फरमा, और ऐ अल्लाह उनको खुशियाँ और सुकून वाली ज़िंदगी नसीब फरमा, जिनकी औलाद नहीं उनको नेक औलाद अता फरमा, बेटे भी बेटियाँ भी अता फरमा, और ऐ अल्लाह जो साहिब औलाद है उनकी औलाद को फरमा बरदार और माँ बाप की आंखों की ठंडक बना, ऐ अल्लाह हम सब की सब दुआओं को अपने करम से अपनी बारगाह में कबूल फरमा, रब्बना रब्बना दुआ फरमाइए, आज ही हमारे अमीर शरीयत हज़रत सैयद अताउल शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के आखिरी और चौथे बेटे, पहले तीन अल्लाह को प्यारे हो चुके थे हज़रत मौलाना सैयद अताउल मुहैमिन शाह साहब बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, वो अभी आज इंतकाल कर गए, उनके लिए दुआ फरमाइए, अल्लाह उनके दर्जात आखिरत को बुलंद फरमाना, ऐ अल्लाह उनके आलम बरज़ख़ की मंजिलों को आसान फरमाना, ऐ अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना देना, ऐ अल्लाह आलाईलीहीन जवार रहमत में जगह अता फरमाना, और ऐ अल्लाह उनके तमाम नेकियों को दीनी खिदमात को कबूल फरमा लेना, ऐ अल्लाह उनकी तमाम खिदमात को कबूल फरमा लीजिए, और ऐ अल्लाह उनके अनवार व बरकात और फ़ियूज़ से हमें महरूम न फरमाइए, हम में से हर एक को ईमानी मौत और ईमानी ज़िंदगी नसीब फरमाइए, रब्बना रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन बिरहमतिका या रब्बा।